दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया में आए पांच सबसे खतरनाक भूकंप के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, 30 जनवरी 1556 दुनिया का सबसे घातक और भयानक भूकंप चीन में आया था, जो दुनिया का सबसे भयानक भूकंप बताया जाता है। इस भूकंप के चलते 830,000 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में जितने भी भूकंप आए इसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत इस भूकंप में हुई थी। इस भूकंप की तीव्रता का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भारी तबाही के साथ चीन के इतिहास का यह सबसे घातक और खतरनाक भूकंप था। नंबर दो, दुनिया का दूसरा सबसे भयानक भूकंप 12 जनवरी 2010 को हेती में आया था। इस भूकंप के चलते 3,16,000 लोगों की मौत हो गई। इस भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई थी। इस देश के इतिहास का सबसे खतरनाक और भयानक भूकंप था। नंबर तीन, दुनिया का तीसरा सबसे भयानक भूकंप 11 अक्टूबर 1138 के दिन सीरिया में आ पहुंचा था। इस भूकंप के चलते वहां के लोग बेघर हो गए। 2,30,000 लोग मौत की रीत सो गए। इस भूकंप के चलते भारी तबाही में सीरिया के असंख्य शहर ध्वस्त हो गए। ये भूकंप ने भारी तबाही मचा दी थी। नंबर फोर, दुनिया का चौथा सबसे भयानक भूकंप 26 दिसंबर 2004 की तारीख को इंडोनेशिया में स्थित सुमात्रा में 9.1 तीव्रता के साथ आने वाला भूकंप ने देश में भारी तबाही मचा दी थी। सुमात्रा प्रांत के लोग डरने लगे और इस भूकंप के चलते 2,27,898 लोगों की मौत हो गई थी। वहां के लोग अपने चाहने वालों को खो बैठे। इस आफत ने भारी तबाही मचा दी थी। नंबर फाइव, दुनिया का पांचवा सबसे खतरनाक भूकंप 26 जनवरी 2001 गुजरात के कच्छ में आया था। 7.7 तीव्रता के साथ आने वाले इस भूकंप ने पूरे शहर को मानो मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। कच्छ और भुज में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1.5 लाख लोग जख्मी हुए और 4 लाख मकान जमीन दोष हो गए। कच्छ के इतिहास का ये सबसे खतरनाक भूकंप था। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।